आज हम उच्चारण स्थान के अनुसार ध्वनियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने देखा था ध्वनियों का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया गया है, श्रवणीयता के आधार पर, उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। श्रवणीयता के आधार पर स्वर, व्यंजन और अंतस्थ के रूप में वर्गीकरण किया गया है, जो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है। अब हम यहाँ देखेंगे उच्चारण स्थान के अनुसार ध्वनियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। ये जो उच्चारण स्थान ध्वनियों के कहलाते हैं वह कंठ से लेकर ओष्ठ तक मुख विवर के अंतर्गत माने गए हैं। जिन्हें हम अध्ययन की दृष्टि से कुछ भागों में विभाजित कर देते हैं, जैसे काकल्य, जिह्वामूलीय, कंठ, नासिका, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, मूर्धा, तालव्य, वत्स, दंत, दंत्योष्ठ, द्योष्ठ। सबसे पहले हम देखें इसमें तो काकल्य ध्वनियाँ भाषा के अंतर्गत अपना विशेष महत्व रखती है। ऐसा माना गया है कि कंठ पिटक में दो लचीली स्वर तंत्रियां होती है। श्वास नलिका से प्रभावित होकर वायु इन्हीं स्वर तंत्रियों के मध्य से होकर निकलती है, तब सामान्य ध्वनि उत्पन्न होती है। इन्हीं स्वर तंत्रियों के मध्य स्थित वायु मार्ग काकल कहलाता है और इस स्थान से उच्चरित ध्वनि काकल्य ध्वनि कहलाती है। हम विसर्ग का उच्चारण करें, ह का उच्चारण करें, तो ये जहाँ से उच्चरित हो रहा है वही स्थान काकल्य होता है। इन्हें उरस से ध्वनियाँ या उर ध्वनि भी कहा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें ये छोटी छोटी बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी होती हैं। इसके अगले विभाग के रूप में देखें तो जिह्वामूलीय ध्वनि को हम देखेंगे। जिह्वामूलीय अर्थात जिह्वा जहाँ से प्रारंभ होता है होती है उसका जो मूल स्थान है वह जिह्वामूलीय कहलाता है। इसे कुछ लोग जिह्वामूलीय कह देते हैं। जब जिह्वामूलीय का स्पर्श करता हुआ श्वास वायु बाहर निकलता है और तब जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है वह जिह्वामूलीय ध्वनियाँ कहलाती है। नुक्ता वाली जो ध्वनियाँ हमारे हिंदी में प्रयोग हुई हैं वो इसी तरह की ध्वनियाँ हैं। वैदिक भाषा में तो इस तरह की ध्वनियाँ बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पर एक विशेष चिन्ह लगाकर इसे अभिव्यक्ति दी जाती थी। कंठ या कोमल तालु को हम अगले विभाग के रूप में देखते हैं। इस स्थान से उच्चरित ध्वनियाँ कंठ या कोमल तालव्य ध्वनियाँ कहलाती है। अब ये स्थान कहाँ होता है तो मुख के अंदर कोवा तथा मूर्धा के मध्य भाग को काकल्य या कंठ कहा जाता है। इसके तीन भाग कई लोगों ने किए हैं, हम उनका भी
यहाँ पर थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। अग्र, मध्य और पश्चिम के रूप में उसका उन्होंने विभाजन किया है। नासिक के ध्वनियाँ, नासिका श्वास क्रिया का एक प्रमुख अव्यय है, तो नासिका से उच्चरित ध्वनियाँ नासिक के ध्वनियाँ कहलाती है। इनके उच्चारण के समय ओठ मुख विवर को बंद कर देते हैं और संपूर्ण श्वास वायु नासिका से ही बाहर निकलती है। अनुस्वार का उच्चारण करके देखिए, आपको पता चल जाएगा नासिक की ध्वनियाँ किस तरह उच्चरित होती है। कंठ तालव की ध्वनियों की यदि हम बात करें तो ये कठोर तालु भी कहलाता है। कंठ तथा कठोर तालु से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वह कंठ तालव्य ध्वनियाँ कहलाती है। ये ध्वनियाँ कंठ से उत्पन्न होती है तथा तालु के समीप जीवा के अग्र भाग के स्पर्श से इन ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। कंठ ओष्ठ ध्वनियों को यदि देखें तो कंठ और ओष्ठ के संयोग से उत्पन्न ध्वनियां कंठ ओष्ठ कहलाती है। मूर्धन्य ध्वनियों की यदि बात करते हैं तो मुख विवर के ऊपरी छत के मध्य जो सबसे ऊंचा स्थान होता है वह मूर्धा कहलाता है और उनके मूर्धा के स्पर्श से जो ध्वनियां उच्चरित होती है जीवा की अग्र भाग वहाँ स्पर्श करता है और वह ध्वनियां मूर्धन्य ध्वनियां कहलाती है। टावर का उच्चारण करके देखिए आप, रीर का उच्चारण करके देखिए, इसी तरह की ध्वनियां हैं। तालव्य ध्वनियां, तालव्य से तात्पर्य कठोर तालु से होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग कठोर तालु का स्पर्श करता है वे तालव्य कहलाती है। च वर्ग हमारा इसी तरीका है, श ई ई यदि हम उच्चरित करें तो यहीं से उच्चरित होती है। एक अन्य स्थान है वत्स्य। मुख विवर में ऊपरी दांतों के भीतरी मसोड़ों का ऊपर का खुरदरा सा भाग होता है और ये वत्स कहलाता है। जब इस स्थान का स्पर्श जीवा द्वारा किया जाता है किसी वर्ण के उच्चारण में तो वे ध्वनियाँ वत्स ध्वनियाँ कहलाती है। अब बात आती है दंत ध्वनियों की, तो दंत ध्वनियों में ऊपर के दांतों का प्रयोग किया जाता है। ऊपर के दांतों के पिछले भाग को जीवा का अग्र भाग स्पर्श करता है और ध्वनियों का उच्चारण करता है वे ध्वनियाँ दंत ध्वनियाँ कहलाती है। त वर्ग हमारा इसी प्रकार का है। दंत्योष्ठ ध्वनियों को यदि देखें तो दांत ऊपरी दांत हैं वही, और ओष्ठ से मतलब नीचे वाले ओष्ठ से होता है। जब इनका स्पर्श करके ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है तो वह दंत्योष्ठ ध्वनियाँ कहलाती है। व फ इसी तरह की ध्वनियों के अंतर्गत आती है। एक अन्य विभाग है द्वयोष्ठ, मतलब दोनों ओष्ठों का उच्चार का जहाँ प्रयोग किया जाता है उच्चारण करने में वह द्योष्ठ या ओष्ठ कहलाती है। आप ऊ का उच्चारण करके देखिए, प वर्ग का उच्चारण करके देखिए, ये इसी तरह की ध्वनियाँ होती है। तो इस तरह से 12 विभागों के अंतर्गत हम इन ध्वनियों को विभाजित कर सकते हैं उच्चारण स्थान के अनुसार। आप अपने इस वीडियो को